हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ लॉ इन द कंपटीशन कम्युनिटी। और आज मैं आप बच्चों के लिए लेके आया हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सीरीज का एक और वीडियो लेक्चर। अगर आपने हमारा कल वाला वीडियो लेक्चर देखा था जो कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे बनाया था, तो उसमें हमने बात करी थी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की। इसमें हमने बहुत ब्रॉडली डिस्कस किया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती है उनके पास जो आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स है वो कब आती है और किस तरह की वो लेजिस्लेटिव पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक बड़े टॉपिक का सब टॉपिक है। तो वो जो बड़ा टॉपिक है सर, वो कौन सा है? वो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, जो कि मेरे पीछे यहां लिखा हुआ है और जिसको आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा होने वाला है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कौन से सब्जेक्ट के अंडर में? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर में। ठीक है सर, शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक। तो सब्जेक्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और टॉपिक होने जा रहा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सबसे पहले ही हम जैसे शुरुआत करते हैं वहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला काम जो हमें करना होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, वो है क्या? टर्म को ब्रेक डाउन करना, यानी कि टर्मिनोलॉजीज को ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करना कि असल में अगर केवल हम हेडिंग को पढ़े तो हमें क्या क्या उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। यहां शुरुआत करने से पहले और इस टॉपिक में घुसने से पहले मैं एक चीज अभी से क्लियर कर दूं कि इस टॉपिक से डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग जो टेक्स्ट बुक्स को खोलते हैं, इसमें यह बहुत लेंदी टॉपिक है जहां पे 50-50 पेजेस में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इसमें आपको अपने एग्जाम परस्पेक्टिव से पढ़ने के लिए इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप केवल सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। चलिए सबसे पहले टर्मिनोलॉजी ब्रेक करते हैं, किसकी? डेलीगेटेड की। ठीक है सर, डेलीगेटेड की क्या मतलब है बताइए? या अगर हम गूगल के पे आप जाके सर्च करेंगे तो सबसे पहले हिंदी में पढ़ते हैं, अपने से छोटे पद के व्यक्ति को अपने काम का दायित्व सौंपना, टू गिव समबडी विद अ लोअर जॉब और पोजीशन अ पर्टिकुलर टास्क टू डू। इसका मतलब कि कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई एक बड़ी अथॉरिटी है, उसने क्या किया? उसने अपना एक काम था जो कि डेलीगेट किया किसी लोअर अथॉरिटी को कि तुम ये काम कर सकते हो इस लिमिट तक, यानी कि पूरा का पूरा काम नहीं। इसका एग्जांपल क्या दिया है मैंने आपको? कल के वीडियो में भी मैंने आपको दिया था कि अगर हर दिवाली में आपके पापा पटाखे लेके आते हैं तो इस बार आपके पापा ने बोला कि तुम अब बड़े हो गए हो, इस बार पटाखे तुम लेके आओ। उन्होंने क्या किया? अपनी जो पावर थी, उनकी जो प्रैक्टिस थी, उन्होंने आपको डेलीगेट किया। तो डेलीगेट का मतलब हमें यहां से यही समझना है, जब किसी बड़ी अथॉरिटी ने किसी छोटी अथॉरिटी को कुछ पावर डेलीगेट कर दी हो अपनी। लेजिस्लेशन से हम क्या समझते हैं सर? कानून बनाने की प्रक्रिया, विधि निर्माण, विधायन। क्या कह रहा है ये? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, यानी कि लॉ बनाने की प्रक्रिया। और अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लेजिस्लेशन का मतलब होता है पार्लियामेंट या विधानसभा, ऐसी बॉडीज जहां पे हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट करके भेजते हैं और वो वहां पे बैठ के एक बहुत ही थॉरो डिस्कशन के बाद हमारी सोसाइटी को, हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए लॉज बनाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर इन दोनों शब्दों के मतलब को ब्रेक करने के बाद फिर से जोड़ा जाए तो ये सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि लॉ बनाने की पावर को लेजिस्लेटिव, जो कि एक्सक्लूसिवली लेजिस्लेचर के पास है, वो लेजिस्लेचर डेलीगेट कर रहा है अपने से किसी लोअर अथॉरिटी को। हमें मतलब में सिर्फ इतना ही समझना है। ठीक है सर, इसी वीडियो लेक्चर सीरीज आप अगर हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एक वीडियो लेक्चर और मिलेगा जो कि डील कर रहा है सेपरेशन ऑफ पावर से। सेपरेशन ऑफ पावर में हमने बहुत ब्रीफ में क्या पढ़ा था कि हमारा जो पावर ऑफ सेपरेशन है, यानी कि पावर का जो सेपरेशन हुआ है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में, वो मेनली तीन पार्ट में हुआ है। कहां हुआ है? लेजिस्लेचर में हुआ है सर, एग्जीक्यूटिव में हुआ है और जुडिशरी में हुआ है। यानी कि ये तीन पिलर्स हैं हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के, इन तीनों में काम बटा हुआ है, तीनों के अपने अपने काम है, तीनों अपने काम पे क्या करते हैं? स्टिक करते हैं और एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते और अपने अपने काम में इंटरफेरेंस नहीं होने देते, ऑल्दो एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस बना के रखते हैं। अब सेपरेशन ऑफ पावर में आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्यों पढ़ा रहा हूं? अगर आपको नहीं पता है कि तीनों का काम क्या है तो आप ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि एक दूसरे को वो कौन सा काम दे सकते हैं? तो चलिए जरा इसको भी समझ लेते हैं। लेजिस्लेटिव यानी कि कौन? लेजिस्लेटिव का मतलब है पार्लियामेंट, यहां पे मैं लिख देता हूं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कौन है? लेजिस्लेचर है, राज्यसभा, लोकसभा, ये हमारे लिए लॉ बनाते हैं। इसके बाद कौन आता है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मेन पार्ट कौन है? एग्जीक्यूटिव का मेन पार्ट है प्रेसिडेंट, गवर्नर, एक्सेट्रा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के परस्पेक्टिव से जो एग्जीक्यूटिव है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि अगर आपकी रियल लाइफ की जिंदगी में बताऊं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। और वो किसके अंडर में आते हैं? वो अंडर में आते हैं एग्जीक्यूटिव के ही। तो यहां पर कलेक्टर भी लिख देते हैं।
तो इसका मतलब अभी तक हमने क्या समझा, ये जो पार्टी है ये लॉ बनाएगी और ये वाली पार्टी जो है जो ये लॉ बन के आया है उसको इन्फोर्स करेगी, यानी कि उसको लागू कराएगी अपने अपने एरियाज में। जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम है आराम से बैठना, जो भी कानून का फॉलो नहीं हो रहा है उसको सजा देना, अगर उनके पास कोई केस आता है तो डिसाइड करना, और जो हायर जुडिशरी उनका काम है उस कानून को इंटरप्रेट करना। और काफी मामलों में जुडिशरी का ये भी काम है कि ये जो बॉडी है एग्जीक्यूटिव की और कभी कभी ये जो लेजिस्लेटिव की अपना काम सही से कर रही है कि नहीं, इनके ऊपर कानून के हिसाब से इंटरप्रिटेशन देना। तो एक तरह से हम सेपरेशन ऑफ पावर में समझ सकते हैं कि लेजिस्लेटिव है तब उसके बाद एग्जीक्यूटिव है और तभी जुडिशरी है। तो यहां पे हम जो पर्टिकुलर टॉपिक जिसको हम कवर करने वाले हैं, हम पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव के अंडर में आता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब यह है कि जब लेजिस्लेचर अपनी पावर को डेलीगेट करता है एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव की स्पेशली कौन सी ब्रांच को, यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि जो कलेक्टर्स हैं, जो डिप्टी कलेक्टर्स हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे संभाल रहे हैं, उनको जब पावर डेलीगेट करता है लेजिस्लेचर कि तुम भी, हमारा जो एक्सक्लूसिव राइट है वो क्या है, मेक लॉ, ये इनका एक्सक्लूसिव राइट है जो ये अकेले कर सकते हैं पूरी इंडियन डेमोक्रेसी में, वो राइट थोड़ा सा उसका पोर्शन डेलीगेट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को। और एक चौथा यहां पे एक छोटा मोटा सा लिख दिया है मैंने, मीडिया। अब कई बच्चे बोलेंगे ऐसा कैसे, ये कहीं ऑफिशियली थोड़ा ना लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन आइडियल सेंस में माना जाता है कि मीडिया हमारा फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है, जो कि लिखित में नहीं है, लेकिन अगर एक अच्छा जर्नलिज्म, एक अच्छा मीडिया हमारी डेमोक्रेसी में सस्टेन नहीं करेगा तो शायद हम धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। ठीक है सर, तो हमें यहां समझ में आ गया कि हम इस वीडियो लेक्चर में स्पेसिफिकली क्या कवर करेंगे, कि लेजिस्लेचर कैसे अपनी पावर को डेलीगेट कर रहा है एग्जीक्यूटिव को। आगे बढ़ते हैं। अब सर हम बात तो कर रहे हैं कि लेजिस्लेटिव पावर जो है वो डेलीगेट करी जा रही है किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, यानी कि लेजिस्लेचर अपनी पावर को एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहा है। लेकिन हमें ये तो पहले बताइए कि लेजिस्लेटिव पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बीच में फर्क क्या होता है। पहले हम तो ये तो डिफरेंशिएट कर पाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास ऐसा कौन सा पावर है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के पास ऐसा कौन सा पावर है, जो कि अलग अलग एंटिटीज हैं और उन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इस स्लाइड में हम वो समझेंगे। ठीक है सर, लेजिस्लेशन के पास क्या पावर है। अब लेजिस्लेशन अगर कोई लॉ बनाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में अगर कोई रूल बनता है तो दोनों के बीच में फर्क होता है, और इसी के बारे में जानना यहां जरूरी है। लेजिस्लेशन अगर कोई रूल बनाता है तो वो पब्लिश किया जाता है एक सर्टेन मैनर में। कैसे सर, अगर आपका पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगा तो वो गजेट में निकलेगा, ऑफिशियल गजेट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में निकलेगा, उसका एक बेयर एक्ट बन जाएगा, उसकी एक एक्ट बन जाएगी। लेकिन अगर आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यानी आपके जिले के कलेक्टर साहब जब कोई आदेश निकालते हैं तो क्या वो कोई एक्ट बन जाता है, क्या उसमें कोई एक ऐसा फिक्स फॉर्मेट है, कोई फिक्स ऐसा न्यूज़पेपर है या कोई फिक्स ऐसी नोटिफिकेशन है जहां पे वो लगातार निकलता है एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, नहीं, वो रूल हो सकता है, वो किसी एप्लीकेशन पे उनका मार्क हो सकता है जो एक रूल बन के निकला है। तो ये पहला फर्क हो गया। दूसरा है नेचुरल जस्टिस नॉट कंपलसरी। नेचुरल जस्टिस क्या है वो मैंने पिछले की वीडियो में बताया, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन अपने खुद के कॉज का जज नहीं हो सकता। तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी यानी कि पार्लियामेंट में आप एक बात बताइए, जो मिनिस्टर्स वहां पे बैठ के उस कानून को बना रहे हैं, जैसे सीआरपीसी का नया अमेंडमेंट, वो तो उनके ऊपर भी लागू होगा ना। लेकिन नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कहता है कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो आपके खुद के ऊपर लागू हो, क्योंकि आप उसमें क्या हो सकते हैं, बायस्ड हो सकते हैं, अपने आप को किसी प्रकार का फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट ऐसा देखेगी तो वो कानून ही नहीं बना पाएगी। तो इसलिए यहां पे लेजिस्लेचर के पास एक एक्सेप्शन है कि नेचुरल जस्टिस उनके लिए एक एक्सेप्शन है, नेचुरल जस्टिस हमेशा अप्लाई नहीं होगा। बहरहाल अगर आप देखेंगे किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, तो वहां पे नेचुरल जस्टिस कंपलसरी है, उनको नेचुरल जस्टिस को प्रिंसिपल को फॉलो करना है। कलेक्टर ऐसा आदेश नहीं निकाल सकते कि जब जब मेरी गाड़ी चलेगी तो बाकी के जितने लोग हैं वो सड़क से अपनी गाड़ियां उतार के खड़े हो जाएंगे जब तक मेरी गाड़ी 1 किलोमीटर दूर ना निकल जाए। क्यों, यहां पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन है। ठीक है सर, जुडिशियल रिव्यू रेयर। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जब जुडिशरी आपके बनाए हुए लॉ का रिव्यू करती है। लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज में ऐसा मोस्टली देखा जाता है कि इतनी जल्दी नहीं करती है जुडिशरी, जब तक कोई बहुत ज्यादा ग्रॉस नेग्लिजेंस या कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट पे लगे कि कोई बहुत ज्यादा ग्रॉस उनके साथ गलती नहीं हुई है, तब तक क्या है, जुडिशरी उस मैटर में इंटरवीन नहीं करती है, क्योंकि वो आपके लेजिस्लेचर का मैटर है। और लेजिस्लेचर का मैटर क्यों है, क्योंकि लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट, तीनों जगह पे मेजॉरिटी मिलने के बाद ही वो कानून बना है। तो अगर इतने लोगों ने मिलकर कानून बनाया जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उसको जुडिशरी सीधे सीधे नलीफाई कैसे कर दे। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव के बनाए हुए रूल से, तो उसका जुडिशियल रिव्यू बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप देखिएगा कलेक्टर साहब ने कोई आदेश पारित किया, कोई रूल बनाया, वो आमतौर पर किसी इंसान को अगर वो वायलेट, आपका वायलेटिव लग रहा है, तो उसको तुरंत उठा के लेके जाएंगे कोर्ट में, रिट डाल देंगे या पीआईएल डाल देंगे, उसको देखेंगे, उसका रिव्यू करेगी जुडिशरी और बोलेगी ये गलत है और उसको नल घोषित कर देगी। इस केस में क्या हुआ, जुडिशियल रिव्यू वहां पे कॉमन है, यहां पे कॉमन नहीं है। नो सच ड्यूटी। ठीक है सर, किस बारे में बात कर रहा है, ड्यूटी टू गिव रीजंस।
एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को क्या है, रीजंस भी देने पड़ेंगे अपने रूल बनाने के, लेकिन ये जो अथॉरिटी है लेजिस्लेटिव, ये अपने लॉ जो बनाएगी इसमें इसको रूल या इसमें अपने आप को रीजंस देने का कोई भी ड्यूटी इनको नहीं है, ठीक है। नो कंपल्सिव सब डेलीगेशन। अब इसमें क्या है, कोई भी जो पार्लियामेंट है, क्या ये आमतौर पर देखा जाता है कि पार्लियामेंट ने एक छोटी पार्लियामेंट और बनवा रखी है 15 लोगों की, या 15 लोगों की बॉडी को बोल रखा है, कमेटी बना रखी है कि तुम एक काम करना, सीआरपीसी में जितने अमेंडमेंट होने हैं तुम ही करना। ऐसा नहीं होता है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको स्पेसिफिकली उसी काम के लिए नियुक्त किया गया है, इसीलिए सब डेलीगेशन यानी कि अपने काम को किसी छोटी अथॉरिटी को, किसी सब अथॉरिटी को डेलीगेट करना इतना कॉमन नहीं है। किसमें? लेजिस्लेचर में। लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में देखेंगे तो सब डेलीगेशन एग्जिस्ट करता है। कलेक्टर साहब किसको दे देते हैं, अगर आप समझो तो डीएम होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, डीएम देते हैं एडीएम को, एडीएम देते हैं एसडीएम को, एसडीएम दे देते हैं किसी और के नीचे वाले को, किसी आपके तहसीलदार को, एक्सेट्रा को। तो उस केस में क्या हो रहा है, सब डेलीगेट करते जा रहे हैं काम की। तुम इस डीएम के पास है कि तुम पूरे डिस्ट्रिक्ट के रूल्स बनाना, डीएम ने उठा के बना दिए 4 एसडीएम और बोला तुम 4 एसडीएम अलग अलग सब डिवीजन के रूल तुम बनाओगे। तो उस केस में क्या हुआ, सब डेलीगेशन बहुत कॉमन है, इसमें सब डेलीगेशन कॉमन नहीं है। तो यहां इस स्लाइड में हमने ये क्रैक डाउन कर लिया कि लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूल बनते हैं उनमें फर्क क्या है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। रीजंस फॉर ग्रोथ। अब ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ना, ये काफी क्वेश्चनेबल अपने आप में है। क्यों है? क्योंकि कई लोग इसको ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये सही चीज नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए घातक हो सकती है और कई बार इसका बड़ा मिसयूज होता है। लेकिन फिर भी इसके पॉजिटिव रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से ये ग्रो हुआ और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा डेमोक्रेसी में, उसको समझ लेते हैं। ठीक है सर, 7 पॉइंट्स है हमारे पास। प्रेशर ऑन पार्लियामेंट्री टाइम। अब पार्लियामेंट के अपने सेशंस होते हैं, उस सेशन में वो बैठती है। अब अगर हर छोटा मोटा कानून, अब अगर हर डिस्ट्रिक्ट बोलेगा कि हाँ भाई कानून तो सिर्फ आप ही बना सकते हैं, अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कानून की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वीआईपी रोड पे कोई भी हॉर्न ना बजाए क्योंकि वहां पे सारे बड़े मंत्री लोग रहते हैं, अब इसके लिए भी पार्लियामेंट अगर अपना अलग से समय निकालेगी तो पार्लियामेंट सालों भर केवल पार्लियामेंट में बैठी रह जाएगी, एमएलए अपने लोकल एरियाज में आके कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे और फिर भी समय इतना पर्याप्त नहीं होगा कि वो सारे लॉ को अप्रोप्रिएटली बना पाए। तो इसीलिए क्या है, प्रेशर होता है पार्लियामेंट्री टाइम पे, उनको बड़े बड़े लॉज, बड़े बड़े मैटर्स को सॉल्व करना होता है कम टाइम पे, उसमें डिस्कशंस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आसान हो जाता है कि छोटे मोटे मैटर का पावर वो डेलीगेट कर दे कि भाई इन छोटे मोटे मैटर का पावर तुम लोग आपस में देख लो, जो वहां की लोकल अथॉरिटीज है वो लॉ बनाएंगी। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में भी सुपरविजन होता है किसका, लेजिस्लेचर का, कि वो पार्लियामेंट जो ने जो पावर डेलीगेट करी है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। टेक्निकलिटी। अब ये बात सच है कि हम लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको बना के भेज रहे हैं, लेकिन मान लीजिए लॉ किसी स्पेशल टेक्निकल फील्ड का बनाना है, मान लीजिए मेडिकल फील्ड का बनाना है। अब मेडिकल फील्ड में हो सकता है उस समय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पार्लियामेंट में कोई भी ऐसा ना हो या बहुत हैंडफुल ऑफ लोगों, एक या दो लोग जो उस मेडिकल फील्ड को बिलोंग करते हैं, तो क्या वो लोग सही से उस पर लॉ बना पाएंगे? नहीं। तो बेहतर है कि आपने उसको डेलीगेट कर दिया किसी ऐसे पर्सन को या किसी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को या किसी ऐसे ग्रुप ऑफ अथॉरिटीज को जो उस टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्ट है, ताकि उनके लिए वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा वहां पर लॉ बनाना और लॉ की इंप्लीकेबिलिटी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि अगर पार्लियामेंट के अपने सेशंस होते हैं, विंटर सेशन है आपका, समर सेशन है आपका, अलग अलग जो मॉनसून सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का, अलग अलग सत्र चल रहे हैं, अब इन अलग अलग सत्रों के बीच में कहीं पार्लियामेंट के पास समय है नहीं है, सालों भर ऑपरेशनल नहीं रहती है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई कि साल के किसी भी वक्त कभी भी जब कभी भी जरूरत होगी तो कानून बन जाएगा क्योंकि आपने डेलीगेट कर रखी है पावर और वो अथॉरिटी सालों भर ऑपरेशनल है। ठीक है सर। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या है? अब पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाना है, ये बात जरूरी नहीं होती कि वो लॉ जब सोसाइटी में उतरे तो वो उतना इफेक्टिवली काम करे जितना पार्लियामेंट ने एक्सपेक्ट किया था। अब अगर मान लीजिए कि वो उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा था तो बहुत तकलीफ हो जाएगी कि उस लॉ के इंप्लीकेटेड को वापस लेना और उसके बाद उस कानून से जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उनको कंपनसेट करना। अब इसमें एक बहुत बड़ी तकलीफ है। तो इसीलिए बहुत आसान हो जाता है कि अगर आपने डेलीगेट कर दिया है तो एक छोटे एरिया में, यानी कि पहले वो जो लॉ था जिसको हमें लग रहा था कि आगे हमें इंप्लाई करना है, देश पे लागू करवाना है, पहले आपने उसको डेलीगेट किया किसी अथॉरिटी को, उस अथॉरिटी ने अपने शहर पे उस कानून को लगाया और लगाने के बाद उसको लगा कि हाँ सब सही चल रहा है और उसको कुछ कुछ कमियां दिखी कि हाँ सर ये इस तरीके से नहीं, इसमें इस तरीके से कर देते हैं कि पेनाल्टी 500 नहीं 1000 रुपए करते हैं, तब लोग और ज्यादा डरेंगे, मुझे ऐसा देख के समझ में आया। तो वो कमियों को सुधार के वापस जब आप पूरी कंट्री में लेजिस्लेशन लगाएंगे तो वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन पार्लियामेंट लेवल पे करेंगे, पूरे इंडिया लेवल पे करेंगे तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। अब मैं यहां पे थोड़ा सा होल्ड लूंगा और आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों को कोई ऐसा लॉ याद आ रहा है जो आपको लगता है एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे हमारी कंट्री में किया गया और उससे बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ? अगर आपके दिमाग में कुछ है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।
इमरजेंसी। अब जब इमरजेंसी लगती है, भगवान ना करे कभी लगे, लेकिन जब कभी भी जरूरत पड़ जाती है इमरजेंसी लगाने की, तो उस समय उस जगह की स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो भंग कर दी जाती है। अब जब वो भंग है तो वो वहां के इमीडिएट लॉज नहीं बना सकती है, तो ऐसे समय पार्लियामेंट को लॉ बनाने हैं, तो पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट को बनाने हैं या जिस भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को बनाने हैं, तो उसने डेलीगेट कर दी वहां की लोकल अथॉरिटीज के पास पावर कि तुम बनाना लॉज, क्योंकि तुम बनाओगे तभी ये काम बन पाएगा। हम हर बार हर वक्त ग्राउंड रूट लेवल पे नहीं कर सकते, जैसे कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शट डाउन था, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो उस केस में सेंटर के लिए लॉ बनाना जरा मुश्किल था, तो इसीलिए वहां की लोकल अथॉरिटीज को इमीडिएट इफेक्ट से एक लिमिटेड लॉज बनाने की पावर दी गई। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी लॉ बना सकते हैं कि इन 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 नाम के लोगों को तो पकड़ के पहले जेल में डाल दो, ऐसा नहीं है। एक लिमिटेड पावर दी गई है कि आप लॉ बना सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स का क्या मतलब है, अगर पार्लियामेंट में लॉ बनना है, इस बात को ध्यान रखिए, अगर लेजिस्लेचर में लॉ को बनना है तो उसका डिस्कशन होना जरूरी है और दोनों हाउसेस में पास होना जरूरी है, और वहां से सीक्रेसी खत्म हो जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जब कभी भी कोई डिस्कशन चलता है तो उसका लाइव टेलीकास्ट, लाइव ब्रॉडकास्ट होना जरूरी है। अब इस केस में सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो सकती, और जब कभी भी कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर हो, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का मैटर था, ये तो खैर बहुत ही बड़ा मैटर था, लेकिन अगर कोई ऐसा छोटा मैटर है, मान लीजिए किसी पर्सन से रिलेटेड या किसी आतंकवादी संगठन से रिलेटेड कोई ऐसा लॉ बनाना है या किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए कोई लॉ बनाना है, तो अगर आपने डेलीगेट कर दिया किसी और अथॉरिटी को, तो ये चीज का ऑब्लिगेशन हट जाता है कि आपको लाइव रहना पड़ेगा, आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, उसने वो लॉ बनाया, उससे जो सरप्राइज एलिमेंट है आपका वो मिस नहीं होता, इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी भी बनी रहती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, जो मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना बड़ा है, इतने सारे मेजर और माइनर लॉज की जरूरत है कि पार्लियामेंट को अपना काम डेलीगेट, यानी कि लेजिस्लेचर को अपना काम डेलीगेट करना ही पड़ेगा ताकि इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चल सके। तो ये कुछ मेजर 7 रीजन है जिनकी वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का ग्रोथ हमारी कंट्री में बढ़ता गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया। ये डीएल का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंडिया में क्या किस बारे में काम करता है, रूल मेकिंग पावर, यानी कि सबसे पहला क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को रूल बनाने की पावर दे दी जाती है। ये जो है हमारा मॉडर्न डे, जो हमारा आपका लेजिस्लेचर है, वो क्या करता है, डेलीगेट करता है रूल बनाने की पावर किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इसका मतलब क्या है, दिस इंक्लूड्स लेजिस्लेशन बाय लोकल अथॉरिटीज, यानी कि जो लोकल अथॉरिटी है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको लॉ बनाने की, माइन्यूट लेजिस्लेचर के लॉज बनाने का पावर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, ये क्या कह रहा है, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज आर वेस्टेड विद द पावर्स टू एडजुडिकेट अपॉन द राइट्स ऑफ द सिटीजंस, यानी कि जो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज का मतलब क्या है, जो पूरी तरीके से जुडिशियल बॉडी या कोर्ट नहीं है, जो कि थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और थोड़ी जुडिशियल, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हो गए, इनको भी पावर दी जाती है कि वो कुछ अमाउंट तक कुछ लॉ या जो सिटीजंस के राइट है उनको डिसाइड कर सकते हैं। तो इंडिया में ये 3 पॉइंट्स पे काम करता है, ठीक है सर। अब इसके जरा टाइप्स देख लेते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के टाइप्स को देखते हैं। ये तीनों के तीनों इंडिया पे इंप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एज अ टर्म पढ़ रहे हैं तो आपको टाइप्स पता होने चाहिए। पहला है ऑर्डर्स इन काउंसिल। अब ये क्या बात हुई सर, अब समझ ही नहीं आ रहा ऑर्डर्स इन काउंसिल क्या है। ऑर्डर्स इन काउंसिल का आप बस इतना मतलब समझ लीजिए कि जहां पे क्वींस बेंच होती है, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, यूके हो गया, जहां पे डिक्टेटरशिप है, जहां पे डेमोक्रेसी तो दिखती है लेकिन एक डिक्टेटर भी वहां ऊपर बैठा होता है, यानी कि राजा, किंग्स रूल है वहां पे, तो वहां पे क्या होता है, वो किंग जो होते हैं इस पर्टिकुलर टाइप में अपनी काउंसिल को क्या करते हैं, अपनी पावर को डेलीगेट करते हैं। जैसे कि क्वीन ने अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया किसको, कि भाई तुम जो है मंत्री जी या काउंसिल साहब या मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपको अपनी पावर दे रही हूं कि मेरी जो ये पार्डनिंग पावर है डेथ पेनाल्टीज में, वो आप एक्सरसाइज करिए। इस केस में क्या हुआ, उन्होंने अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया नीचे। मोस्टली क्यों किया जाता है, नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स में किया जाता है, ठीक है सर। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या कह रहा है, ये जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये जो पावर अपनी डेलीगेट करते हैं वो इस टाइप के अंदर में आता है, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें वो क्या करते हैं, अपने लीगल राइट को एक्सरसाइज करके अपनी जो पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या पार्लियामेंट, अपनी पावर्स को डेलीगेट करता है, रूल मेकिंग पावर या लॉ बनाने की पावर अपने जूनियर सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है सर। उसके बाद आता है बायलॉज। बायलॉज का मतलब पता है क्या होता है, बायलॉज का मतलब यह है कि अगर एक लॉ है और उससे रिलेटेड क्या है, एक दूसरा एक और लॉ है, ये लॉ मेन लॉ है, उसके अंदर एक और लॉ, यानी एक लॉ के अंदर से निकला हुआ दूसरा लॉ वो बायलॉ हो जाता है। जैसे सीआरपीसी में एक लॉ है, सीआरपीसी की इंप्लीकेबिलिटी को देखते हुए वहां की सेशंस कोर्ट ने, किसी एरिया की सेशन कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट करके एक माइन्यूट लॉ और बनाया कि भाई जो भी इस सेक्शन के तहत आएगा वो इस कोर्ट रूम नहीं उस कोर्ट रूम में जाएगा, तो ये क्या हो गया, बायलॉ हो गया। तो बायलॉ के तहत जो है वो काम होता है, उसको कहते हैं लॉज बाय लोकल अथॉरिटी। जो लोकल अथॉरिटी है वो एक बड़े लॉ के अंडर में आके एक छोटा लॉ बनाती है। ये 3 टाइप है किसके, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं,
अब हम कुछ एडवांटेजेस को भी देख लेते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के। एडवांटेजेस क्या क्या कह रही है, चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला है टाइम एफिशिएंसी, भाई समय की बचत, भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही तो है, समय बचना चाहिए सर, समय बचेगा तभी तो लोगों का भला होगा, ठीक है, टाइम बच गया हमारा। फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके बारे में हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं, भाई की फ्लेक्सिबल है, भाई पार्लियामेंट कब बैठ रही है नहीं बैठ रही है, लेजिस्लेचर कब बैठ रही है नहीं बैठ रही है, अब आपने जिस अथॉरिटी जो हमेशा बैठ रही है उसको आपने काम डेलीगेट किया, जो उस काम के लिए ही बनी थी उसको आपने डेलीगेट कर दिया, वो आपका काम करती जा रही है और आप उस पे एक मॉनिटरिंग करते जा रहे हैं। एक्सपर्ट इनपुट, अब भाई जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उस फील्ड के, उस पर्टिकुलर लॉ के, उस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के, वो उस पे काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आउटपुट काफी रिफाइन होगा। और आखिरी में आया प्रॉम्प्ट रिस्पांस, मतलब कि क्विक रिस्पांस। इस चीज में क्या होता है कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई लॉ बनाने की या कोई पावर या कोई रूल को बनाने की पावर को एक्सरसाइज करना है तो उसका रिस्पॉन्स बहुत क्विक होगा, आप तुरंत उस पर एक्शन और रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। रिस्क ऑफ पावर इम्बैलेंस, अब पावर इम्बैलेंस का एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्यों रिस्क है? क्योंकि आपने अपनी पावर को डेलीगेट किया, आपने अपनी पावर को केवल एक अथॉरिटी को तो इंडिया में डेलीगेट नहीं किया है, बहुत सारी अथॉरिटीज है, सबको अलग अलग पावर डेलीगेट करी है। जरूरी नहीं है कि आप सही तरीके से मॉनिटरिंग कर पाए, क्योंकि इसका कोई फिक्स फॉर्मेट तो है नहीं कि मॉनिटरिंग कैसे होगी और डेलीगेशन कितना होगा। इस केस में हो सकता है कि कुछ माइन्यूट सब्स्टिट्यूट जो है वो अपनी पावर का मिसयूज करने लगे और जो सेंटर अथॉरिटी है, जो मेन अथॉरिटी है जिसने अपनी पावर को डेलीगेट किया, उसको इल्म भी ना हो इस बात का, उसको पता भी ना चले कि उसके कान के नीचे, उसकी नाक के नीचे क्या चल रहा है, ठीक है। लैक ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी, अब लैक ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी का मतलब यह है कि भाई पब्लिकली आप उसकी स्क्रूटनी नहीं कर पा रहे हैं, आप पब्लिकली उसका रिव्यू नहीं ले पा रहे हैं, तो ये पब्लिक स्क्रूटनी हो गया। पोटेंशियल फॉर ओवर लेजिस्लेशन, अब क्या है इसमें पोटेंशियल लिखा है, इसका मतलब क्या है, उम्मीद है, एक पॉसिबिलिटी है कि हद से ज्यादा कानून हो जाएंगे, कि सेंटर से भी कानून बन रहा है, पब्लिक अथॉरिटी जो नीचे हमारे काम कर रही है लोकल अथॉरिटी, वो भी कुछ लॉज बना रही है, वो भी कोई रूल बना रही है, बाय लॉज बना रही है, मतलब कॉमन सिटीजन केवल रूल ही रूल से अंदर दब गया है और कुछ उसके पास सांस लेने के लिए भी जगह नहीं बची है। और आखिरी है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब केवल इतना है कि भाई सेंटर जिस माइंडसेट के साथ लॉ बना रहा था, उसने डेलीगेट किया जिस अथॉरिटी को लॉ बनाने के लिए, वो उस माइंडसेट पे काम नहीं कर रहा है, तो एक यूनिफॉर्मिटी का मिस आउट हुआ। वो जिस थॉट प्रोसेस के साथ लॉ बना रहा था, ये जरूरी नहीं है उसी सेम थॉट प्रोसेस के साथ लॉ बनाए, और वहां पे दोनों के जब थॉट प्रोसेस मैच नहीं किए तो यूनिफॉर्मिटी मिस हो गई और वहीं से प्रॉब्लम हुई। किस चीज की? कि अब लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और यही था हमारा टॉपिक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो लेजिस्लेटिव पावर होती है किसकी, लेजिस्लेचर की, वो अपनी पावर को डेलीगेट करता है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, जुडिशियल बॉडी को भी करता है, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पढ़ रहे हैं तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के स्पेसिफिकली टॉपिक को कवर करेंगे। और इसके कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं, ये क्यों डेवलप हुआ उसके बारे में कुछ चीजें हैं, इनको अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक नए टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड सी यू वेरी सून। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के करियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।